That's the longest building of the Chicago. That's the 360 Hancock building. And we'll go to top of that building. हम ऊपर के फ्लोर पे जाकर वहाँ से पूरे शिकागो का व्यू मिलता है. तो हमने एक्चुअली कल हमें अब वो स्लॉट नहीं मिला था, कल खाली नहीं था, इसलिए आज हम आए. और देखिए बहुत ज़्यादा विंडी है यहाँ पर. शिकागो हमेशा विंडी के लिए फेमस होता है. यहाँ बहुत हवा चल रही है, थोड़ी चिलिंग भी लग रही है. और देखिए ये तो आपको एंट्रेंस है. यहाँ बहुत हवा चलती है, बहुत तेज हवा चलती है. अभी तो वेदर अच्छा है इसलिए मतलब ठीक है, बट अगर विंटर में आप आओ तो इट्स वेरी वेरी चिली. सो बस अभी बहुत एक्साइटमेंट है कि कैसा लगेगा ऊपर जाकर, कैसा दिखेगा शिकागो. तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसा दिख रहा है. ये देख हम जा रहे हैं. लुक देखिए स्पीड, देखिए डरावना यार स्पीड. देखो काफी तेज जा रहे हैं, स्पीड है नहीं, ये हिल रहा है देखो ना. हाँ क्योंकि स्पीड है, वैसे हंसी वादिया ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना. इन बहारों में दिल की गली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई. तेरे होठों पे है हुस्न की बिजलियाँ, तेरे गालों पे है जुल्फ की बदलियाँ. तेरे दामन की खुशबू से महके चमन, संगे मरमर के जैसा ये तेरा बदन. मेरी जानी
360 शिकागो पर एक सेपरेट राइड होती है जिसको टिल्ट राइड बोलते हैं, और उसके लिए हमें सेपरेट टिकट बुक करना होता है। तो हमने वो सेपरेट टिकट बुक किया था। एक्चुअली ये चैम्बर के अंदर सेलफोन या पर्सनल कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो हमारे एक फ्रेंड ने बाहर से रिकॉर्ड किया। बट ये राइड बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग था। अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि ये राइड कैसी होती है। वो ग्लास के चैम्बर, और आप देख सकते हो कि ये जो चैम्बर है वो नीचे टिल्ट हो रहा है, और अगर आप 94th फ्लोर से नीचे देखते हो और आपको लगता है कि कोई नीचे जा रहे हो आप, तो वो इतनी ज़्यादा थ्रिलिंग होती है कि पूछो मत। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, और आप वीडियो में देख सकते हो कि मैं उस पर मैं पीछे आ रही हूँ, मैं ज़्यादा लोड नहीं कर रही थी। लेकिन अगर आप ऐसे उस पर ज़्यादा टिल्ट होकर देखोगे तो वो और भी ज़्यादा डरावना रहता है। बट मुझे तो इतना ज़्यादा, मैं स्वेट करने लगी थी, तो इसलिए मैं बिल्कुल झुकी नहीं, मैं बैक आ रही थी, क्योंकि वो ग्लास काफ़ी नीचे जा रहा था। वो 3 times नीचे भेजते, और मुझे लगा कि अगर नेक्स्ट टाइम ये और नीचे टिल्ट होगा तो मैं तो छोड़ के पीछे आ जाती। बट फाइनली वैसा हुआ नहीं, और नॉर्मली सबकी हार्ट बीट काफ़ी तेज हो गई थी। बहुत मतलब देखने में इतना थ्रिलिंग नहीं लग रहा, लेकिन जब आप वहाँ खड़े होकर देखते हो तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है। बट मज़ेदार था ये, काफ़ी एडवेंचरस एक्सपीरियंस था, और काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगा। मर जाओ तेरे इश्क पे, मर जाओ मर जाओ।